press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और दोस्तों यहां पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Oppo A1k। जी हां दोस्तों, यहां पर Oppo का ब्रांड न्यू स्मार्टफोन जो है हो चुका है लॉन्च, और दोस्तों मार्केट में ये अवेलेबल है बिकने के लिए। लेकिन दोस्तों क्या खास बात है इस फ़ोन की, और दोस्तों एक बजट फ़ोन की रेंज में ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाने वाला है, क्योंकि अभी आप इस वीडियो में देखेंगे ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको अच्छा खासा अमाउंट पे करने के बाद भी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर 7-8 हज़ार में आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी। तो फिलहाल ओप्पो ने बहुत ही धाकड़ फ़ोन उतार दिया है मार्केट में। इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, इसकी कैमरा क्वालिटी को देखते हुए आप भी काफ़ी ज़्यादा सकते में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये फ़ोन मुझे मिल गया है DKG मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप करना चाहते हैं परचेज तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दे रखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं अनबॉक्स और जानते हैं इसकी पूरी डिटेल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और दोस्तों यहां पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Oppo A1k। तो दोस्तों यहां पर ये रहा बॉक्स, और जल्दी से बात करते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको Oppo की जो ट्रेडिशनल पैकिंग है वो देखने को मिल जाती है। बात करें साइड की तो यहां पर आपको जो है Oppo की ब्रांडिंग मिल जाती है। बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर आपको जो है कुछ डिटेल्स वगैरह दे रखी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको 15.5 सेंटीमीटर की वाटर ड्रॉप स्क्रीन मिल जाती है, प्लस 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। इसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो मेमोरी है वो है 32 GB की रोम है यहाँ पर, और कलर OS 6 वर्जन पर काम करता है बेस्ड ऑन Android 9 Pie, यानी कि Android 9 Pie ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें। अगर हम इसकी बात करें इसके स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको 2 GB रैम के साथ 32 GB का स्टोरेज मिल जाता है। कलर ये ब्लैक, और नीचे की तरफ आपको जो है IMEI से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। तो बाकी यहाँ पर रहा ये, और मैंने इसको ऑलरेडी सब कुछ सेटअप करके रखा है। तो बॉक्स को जल्दी से ओपन कर देते हैं और देखते हैं दोस्तों अंदर आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको मिल जाता है एक जो है और सेक्शन, और इसको मैं बाहर निकालता हूँ तो देखते हैं इसके अंदर आपको और क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक कवर मिल जाता है। इस कवर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट केस एंड प्रीमियम क्वालिटी का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको कुछ जो है क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह मिल जाती है, जिनका फ़िलहाल आपके लिए कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी इन सब सामान को रख देता हूँ साइड, और बात करता हूँ उस फ़ोन के बारे में कि अंदर आपको और क्या क्या मिलता है। तो इसको कुछ आप इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं फ़ोन को, और इसको मैं खोल देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है देखने में, लेकिन दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल इसको भी साइड रख देता हूँ, देखता हूँ बॉक्स के अंदर और आपको क्या क्या कंटेंट मिलता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक चार्जर मिल जाता है जो कि ओप्पो का ट्रेडिशनल चार्जर की ही तरह है, जिसकी रेटिंग की बात की जाए तो ये 5 वोल्ट की रेटिंग है। हालाँकि ये एक बजट फ़ोन है तो यहाँ पर फास्ट चार्जर जो है एक बिल्कुल बेमानी सी होगी एक्सपेक्ट करना। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं केबल की बात करूँ तो टाइप सी तो मिल नहीं जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर माइक्रो USB केबल दे रखी गई है आपको, जो कि जो ओप्पो की ट्रेडिशनल केबल्स होती हैं कुछ उसी हिसाब से है। तो दोस्तों अभी मैं सारा सामान को रख देता हूँ साइड में और बात करता हूँ फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्रीमियम क्वालिटी का फ़ोन हमारे पास मौजूद है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके स्क्रीन की, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 6.1 इंच की IPS पैनल डिस्प्ले, जिसको आप देख रहे हैं वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है। तो मैं इसे लगे हाथों पे स्टार्ट भी कर देता हूँ, साथ में आपको जो है डिटेल्स बताता चलता हूँ। बैक साइड यहाँ पर आपको साइड में जो है पावर बटन मिल जाती है, नीचे की तरफ आपको जो है स्पीकर ग्रिल प्लस आपको माइक मिल जाता है। यहाँ पर बीच में आपकी जो है माइक्रो USB पोर्ट है चार्जिंग पर्पज़, साथ में आपका ऑडियो जैक। तो दोस्तों इसकी साइज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। बैक साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 8 MP का कैमरा विद LED फ्लैश, और बीच में आपको जो है मिल जाती है ओप्पो की ब्रांडिंग। और इसके साइड में यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, उसके ऊपर जो है आपके सिम स्लॉट दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये अभी मेरा जो हो रहा है स्टार्ट, इसको जल्दी से कर लेता हूँ सेटअप और बात करता हूँ इस फ़ोन के अंदर और आपको क्या क्या मिलता है।
तो दोस्तों इस तरीके से हमारा UI आ चुका है। अब मैं बात करता हूँ इसके बेसिक स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों अगर हम स्क्रीन की क्वालिटी को देखेंगे तो यहाँ पर आपको IPS पैनल डिस्प्ले मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की लग रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके UI की तो यहां पर Oppo का आपको अपडेटेड UI देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से चलते हैं इसकी सेटिंग में और बात करते हैं कि यहां पर आपको और क्या क्या मिल जाता है। तो ये रहा हमारा अबाउट फ़ोन और यहाँ पर चलते हैं हम लोग अब इसकी डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर जो है डिवाइस का नाम लिखा हुआ है, साथ में आपको जो है मॉडल वगैरह की डिटेल्स दे रखी हैं। कलर OS वर्जन जो है आपका 6 रहेगा, एंड्रॉयड वर्जन आपका जो है 9 पाई देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा और रैम यहाँ पर आपको 2 GB की मिल जाएगी। साथ में आपको जो है यहाँ पर आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स दे रखी हैं। सिक्योरिटी पैचेस लेवल आपके मार्च के महीने के हिसाब से होंगे। तो दोस्तों ये रही बेसिक सी स्पेसिफिकेशन। बात करें इसके UI की तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप भी देखने को मिल रहे हैं जिनके बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं क्या आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं या रहेंगे। जी हाँ दोस्तों आप शायद इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि जब मैं इसको सेटअप कर रहा था तो यहाँ पर और भी आपको जो है ऑप्शंस देखने को मिल रहे थे कुछ और एक्सटर्नल ऐप्स के। तो दोस्तों वो मैंने फिलहाल स्किप कर दिए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो वहाँ पर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जल्दी से दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इसके कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर ये रहा हमारा कैमरा, इसको कर लेता हूँ ओके और फोकस करता हूँ इस ऑब्जेक्ट पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो को क्लिक कर लिया है। अब मैं बात करता हूँ इसके डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है। हालांकि 8 MP का कैमरा जो कर सकता है उससे कहीं ज़्यादा जो है बढ़ के ये परफॉर्मेंस दे रहा है, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी ये मेंटेन करता है। अब दोस्तों अगर मैं जल्दी से एक बार इसके स्पेसिफिकेशन और चेक कर लूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड। यहाँ पर ये 3 मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसे स्विच कर लेता हूँ जल्दी से सेल्फ़ी कैमरे की तरफ तो ये रहा हमारा सेल्फ़ी कैमरा और एक जल्दी से एक फ़ोटो को क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन डिटेल ये मेंटेन करता है। हालांकि 5 MP का कैमरा है तो जो एक्सपेक्टेशन से की जा सकती हैं ये उस पर बहुत ही अच्छी तरीके से खरा उतरता है। लेकिन अगर मैं इसका कंपेयर कराऊँ किसी बेहतरीन फ़ोन से ओप्पो के ही तो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये थोड़ा पीछे चला जाता है। तो दोस्तों ये रही इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट जो है मिसिंग मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको फेस अनलॉक मिल जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको भी सेटअप कर दिया है। अब दोस्तों अभी ये फ़ोन का जो है लॉक है हमारा, जैसे ही इसको अनलॉक करना होता है हम अपनी फेस की तरफ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि एक बजट रेंज फ़ोन होने की वजह से यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ये काम कर रहा है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मिल जाता है आपको मीडिया टेक का P22 प्रोसेसर, जो कि गेमिंग पर्पज़ से उतना बेहतरीन नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा आपको जो है ये मज़ेदार लगेगा। दोस्तों ये रही इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन। आपको ये फ़ोन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों आप भी चलते हैं इसका कुछ डीप कैमरा टेस्ट की तरफ, वहाँ पर हम लोग चेक करेंगे इसके कुछ और भी कैमरा सैंपल्स। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके कैमरा सैंपल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन, कैमरा सैंपल और पूरी डिटेल के बारे में। लेकिन अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड लुक के बारे में, इसको अगर मैं रेट करने पे आ जाऊँ तो ये मुझे एक बजट रेंज में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फ़ोन लगता है। क्योंकि यहाँ पर आपको जो कैमरा क्वालिटी दी गई है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दी गई है, और अगर मैं इसकी रैम रोम सबकी बात करूँ तो ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिली है। फिर वो चाहे इसका फेस अनलॉक हो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा है, बिल्कुल भी नाक के बराबर आपको डिले देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इस रेंज में। तो अगर आप एक बजट फ़ोन खरीदने का मूड बना रहे हो तो ये फ़ोन मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतरीन फ़ोन आपको नहीं मिल सकता इस रेंज के अंदर। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस, आप विश्वास मानिएगा। पूरी वीडियो को आपने लास्ट तक देखा होगा, चाहे इसकी कैमरा सैंपल हो, चाहे इसका फेस अनलॉक हो या इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस हो, पूरा मतलब एकदम 10/10 जा रही है।
तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, और आप इस फोन के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।